इस वीडियो में हम स्पाइसी स्पॉट इंडिया के बारे में बात करेंगे और उसकी वेबसाइट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो भी लोग स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्पाइस बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट कैसे और कहां से मिलता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसमें आप www.indianspices.com ओपन कीजिए। अब आपको मैं जो होम पेज दिखा रहा हूँ वो होम पेज आ जाएगा। ये वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। सॉरी, मेरे ऑफिस में थोड़ा फर्नीचर का काम चल रहा है तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, पर इट्स ओके। आई होप यू कैन हियर माय वॉइस क्लियरली। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइस बोर्ड इंडिया क्या काम है। तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है कि जो भी स्पाइसेस होता है उसका अगर आप यहाँ से सर्टिफिकेट लेते हो तो वो सर्टिफिकेट का वैल्यू है कि लाइक आपका जो भी स्पाइस है वो क्वालिटी वाइज अच्छा है, हाइजीन है, वो ये सर्टिफिकेट प्रूव करता है। तो देखा जाए तो स्पाइस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड वाइड प्रमोशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस। द बोर्ड इज एन इंटरनेशनल लिंक बिटवीन द इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड द इम्पोर्टर्स अब्रॉड। द बोर्ड हैज बीन spearheading activities for excellence of Indian spices involving every segment of the industry. The board has made quality and hygiene the cornerstones for its development and promotional strategies. Okay, तो ये क्या करता है कि स्पाइस बोर्ड सर्टिफिकेट का एक अपनी गवर्नमेंट की बॉडी है। तो जो भी सर्टिफिकेट आप लेते हो, अगर किसी को स्पाइस इंपोर्ट करवाना है और ये स्पाइस बोर्ड का सर्टिफिकेट अपने रखते हैं तो अपना जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो वो शिपमेंट में थोड़ा उसका वैल्यू बढ़ जाता है। वैल्यू मतलब इन द सेंस ऑफ क्वालिटी एंड हाइजीन कॉर्नर। ओके, अब आप देखिए कि अगर आपको कोई एक्सपोर्टर ढूंढना है, ये जो दूसरा कॉलम है जो इंडियन स्पाइसेस, इसके अंदर आपको जितने भी मसाले स्पाइसेस जो भी है एक्सपोर्ट होता है उस सबके बारे में डिटेल दिया हुआ है, उसका कैटलॉग भी दिया हुआ है, उसका जो भी बॉटनिकल जो भी नेम है उसका भी पूरा लिस्ट दिया हुआ है और कौन से स्टेट क्या स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं ग्रोइंग वो भी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और ये दूसरी स्पाइस बोर्ड इंडिया क्या क्या उसके जो प्रोग्राम होते हैं, डेवलप के प्रोग्राम होते हैं, फिर हार्वेस्ट कैसे करना उसका प्रॉब्लम होता है, फिर वो एक्सपो करते हैं। अगर आप इसके मेंबर बनते हैं तो ये सारे प्रोग्राम में आप वो आप लोगों को फ्री में इन्वाइट करते हैं और जो भी एक्सपो में अगर पार्ट लेना चाहे, अगर अपना स्टॉल लेना चाहे तो जो मिनिमम जो भी उनकी फीस होती है उसके बाद स्टॉल रखा जाता है। तो वो आपका ये लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अलग अलग स्पाइसेस पे, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, कैसा होना चाहिए, वो हाइजीन है कि नहीं, वो सब चेक करें। ओके, अब बात करेंगे हम जिसको एक्सपोर्टर को है, जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन पे आ जाइए, उसके अंदर आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कीजिए। ओके, डाउनलोड फॉर्म के अंदर क्लिक करने के लिए रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस पे क्लिक कीजिए। उस पर आप एज अ एक्सपोर्टर जो आपको एक्सपोर्ट करना है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। ओके, यहाँ पे आपको अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना आईसी कोड डालना है, नेक्स्ट पे का जो भी प्रोसेस आएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट 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 और इन्फॉर्मेशन फिल करनी चाहिए। और आपको क्या चाहिए उसके लिए, आपको चाहिए वैलिड आईसी कोड इश्यू बाय डीजीएफटी, आपको चाहिए फी फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी सबमिटेड बाय डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ स्पाइस बोर्ड, स्पाइस बोर्ड के नाम पे एक ड्राफ्ट बनाना है और दो मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, 5000 का ड्राफ्ट 5000 का डीडी बनाना है। तो और आपका जो भी सीईओ है उसका पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए या प्रोपराइटर बेस पे जो भी है, मेन जो पर्सन है उसका पासपोर्ट वैलिड ईमेल आईडी चाहिए और उसके बाद आपको स्पाइस बोर्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसके साथ आपको जो भी और पढ़ना है जिसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिंक दी गई, जो आप ऊपर दे लीजिए, यहाँ से आप स्पाइस बोर्ड सर्टिफिकेट का लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी एजेंट का किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही यहाँ से कर सकते हो। और जब भी आपका वैलिडिटी ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ पे रिन्यूअल पर क्लिक करके आगे के लिए भी रिन्यूअल करवा सकते हो। ये मेरे ख्याल से 4 ईयर्स का सर्टिफिकेट आता है, 4 ईयर्स का वैलिडिटी होता है सर्टिफिकेट का,
मुझे यहाँ पे डेट देख ऐसा लग रहा है। ओके, और हाँ, और एक चीज़, अगर आप यहाँ पे इंडिया में देखने जाओ, वेबसाइट जो है यहाँ पे ये लोग लाइव ऑक्शन भी करते हैं। अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको पहले मेंबर बनना है। देखो यहाँ पे ई ऑक्शन लिखा हुआ है, ई ऑक्शन के तहत आप जाके लाइव ऑक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पे लोग देखो ऑक्शन कर रहे हैं और इसका यहाँ पे इनको लाइव देखने के लिए भी होता है। अगर आप देखो तो लाइव ऑक्शन देखिए, ये यहाँ पे जहाँ पे भी अभी लाइव स्ट्रीमिंग है, जहाँ पे भी ऑप्शन हो रहा है स्पाइसेस का, यहाँ देखिए ये सब ऑप्शन हो रहा है। तो आप भी पार्ट ले सकते हैं और वहाँ से जाके स्पाइस बाय कर सकते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्टर मेंबर बनना ज़रूरी है। उसके बेनिफिट्स यही है कि वो आपको इंटरनेशनल जो भी एक्सपो था उसमें आपको मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, उनके एक्सपो में भी आपको बुलाएंगे, आप ऑप्शन में पार्ट ले सकते हो और उसके लिए भी आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। और जो भी एक्सपोर्ट करते हो उसमें स्पाइस बोर्ड इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये हमने बात की स्पाइस बोर्ड इंडिया की जो भी स्पाइसेस के बारे में जो सर्टिफिकेट थे उसके बारे में। मेरे साथ लगे रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई अच्छा टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अस ऑन यूट्यूब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।